हिंदुस्तान भर में लोकसभा इलेक्शंस के तैयारियां शुरू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लोकसभा की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। बीजेपी 38 पार्टियों से समझौता करी है, वो इस मकसद से करी है कि जो भी मोदी जी को नेक्स्ट पीएम मानेगा और बीजेपी के उसूलों को मानेगा, ऐसी पार्टियों से वो समझौता करी है। बैक वक्त कांग्रेस भी क्या है, 26 पार्टियों से समझौता करी है, लेकिन ये किसे पीएम मानेंगे ये अभी इनका तय नहीं हुआ। तो ऐसी हालत में मुझे लग रहा है बीजेपी सक्सेस हो रही है और कांग्रेस फेल हो रही है। उसकी वजह यह है कि आज भी कांग्रेस के पास कौन से लोकसभा से कौन सा विधायक उम्मीदवार बनेगा उसका नाम घोषित नहीं किया गया। जब तक कांग्रेस अपने नेताओं को 543 में कितने उम्मीदवार उतारना चाहती है, इसका पहले खुद को क्लियर करना है। खुद को क्लियर करने के बाद इसके साथ उस शर्त पर मंजूर जिस पार्टी को है वो पार्टी उनके साथ जुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये पटना में मीटिंग करे, हिमाचल में मीटिंग करे, बेंगलुरु में मीटिंग करे, इसके पहले बिहार के जाने माने नेता पंकज सिंह मेरे घर आए थे। मैं उन्हें एक दावत दी थी कि 543 में कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए हम छोड़कर देने तैयार हैं, लेकिन हमारी उनकी बैठक होना जरूरी है। तो आज तक उस बात पर कोई चर्चा हुई या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं पंकज सिंह को पूछा तो बात चल रही है, बोले मुझे लग रहा है वो हमें नजरअंदाज करे। पंकज सिंह आपको नजरअंदाज कर रहे हैं? मैं पंकज सिंह तो मेरे जानी जिगर है, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन जो हाई कमांड में जो लोग हैं राहुल गांधी से उनका बहुत निकट संबंध है, तो राहुल गांधी जी के सामने ये बात रखे हैं, तो राहुल गांधी कर्नाटक के नेताओं के सामने वो अपनी बात रखे हैं, तो मुझे लग रहा है कर्नाटक के नेता खुद इग्नोर करे हैं। आने वाली किसकी सरकार बनेगी सरकार? देखो कांग्रेस की बन सकती है, बनती नहीं, बन सकती है। कब? सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों मिलकर बैठेंगे। तीनों मिलकर बैठकर एक ऐसा फैसला करेंगे जिसमें माननीय खड़गे जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करना होगा। नंबर दो, डीके शिव कुमार जी को राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घोषित करना होगा। अपने भाई बहनों से गुजारिश है कि अब हुकूमत का साथ दो, क्योंकि तुम्हारी नींदें सुकून से हो रहे हैं, तुम्हारा खाना सुकून से हो रहा है। भले ही हमारे भाई को वहाँ नेतागिरी नहीं मिल रही, वहाँ रुसवा हो रहे हैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जमीर अहमद साहब को जब हल्क लेने के लिए सबसे आखिर में बुलाएगा, जबकि 80% वोट हमने किया है, 80% वोट हमने दिया है कांग्रेस को, सबसे आखिर में वोट लेते हैं और वोट लेते वक्त भी उनको रुसवा किया जाता है, ये बर्दाश्त के बाहर है। इसके बावजूद मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आपको सब्र करना है। सब्र इसलिए करना है कि जिस मकसद में आप कामयाब होना चाहते थे, एक तरफा होकर आप वोटिंग करें, वो मैं उसे आप तमाम को सलाम करता हूं। इसी तरह का वोटिंग अगर लोकसभा में होगा तो किसकी मजाल जो जीत सके। आपकी पढ़ाई कहां से हुई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम तफसीलात का काम जानना चाहते हैं। मैं उर्दू एमए किया हूं, बीएड किया हूं, हिंदी प्रवीण और प्रकाश किया हूं, और कन्नड़ा का पंडित हूं मैं। साथ ही साथ देश के कोने कोने का दौरा किया हूं, छोटे से छोटे नेताओं से लेकर बड़े से बड़े नेता, यानी मैक्सिमम नरेंद्र मोदी जी से भी
13/12/2015 ठीक 11 बजे बैठक करके मेरे अपने काम कर ले जा रहा हूँ, वो भी बगैर अपॉइंट के। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और मैं उर्दू का शायरी करता हूँ, हिंदी कवन लिखता हूँ, कन्नड़ा का कवन लिखता हूँ, वक्तिया तौर पर हर चीज़ कर लेता हूँ। मेरा तजुर्बा यह है कि मैं किसान से लेकर हर चीज़ का बेसिक काम जानता हूँ। और आम अवाम की ज़िंदगी क्या है, अल्लाह की मेहरबानी, मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग जानते हैं, उनमें मैं भी एकला। रही बात मैं, मुझे आप जितने भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करो, जितने भी दुनिया में जितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल हैं वो पूरे इस्तेमाल करो मुझे, मैं उसे फिट हूँ। और जितने भी अच्छे अल्फाज हैं वो भी इस्तेमाल करो, उसे भी मैं फिट हूँ। इसका मैं आप सवाल करें तो साबित करके बताऊंगा।